राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो चुकी है। बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने यहाँ पर गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया था। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित खेल विवि अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर सीएम धामी और पूरी कैबिनेट का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में वीवी की स्थापना का काम पूरा होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। आज कैबिनेट में माननीय गवर्नर साहब की तरफ से जो विश्वविद्यालय एक्ट पूर्व में विधानसभा से पारित होकर गवर्नर हाउस पहुंचा था, उसमें गवर्नर हाउस की तरफ से कुछ आपत्तियां लगकर वापस विधायी को पहुंचा था, और विधायी में पहुंचने के बाद में फिर विभाग के पास पहुंचा, और रात मुझे आपको बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है और बात की बेहद खुशी है कि आज उस प्रस्ताव पर जैसे माननीय गवर्नर साहब के दिशा निर्देश थे उसमें जो आपत्तियां थी उसका जो समाधान था उसी अनुरूप जो है उसे अध्यादेश के रूप में विभाग ने प्रस्ताव बनाते हुए विधायी से उसे कराते हुए आज कैबिनेट के माध्यम से उसको अध्यादेश के रूप में जो है आज कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान करी। निश्चित रूप से जो संशोधन उसमें किए गए थे उस संशोधन को स्वीकार करते हुए आज कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने के बाद में शीघ्र गवर्नर हाउस जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द जो है संशोधित हमारा यूनिवर्सिटी एक्ट गवर्नर साहब की अपेक्षा के अनुरूप जो है जल्दी ही राजभवन से स्वीकृति मिलेगी, और निश्चित रूप से खिलाड़ियों के हित में जो यूनिवर्सिटी एक्ट हम लोग बना रहे थे वो अपना मूर्त रूप लेगा, ऐसा मुझे आज की इस कैबिनेट की बैठक के होने के बाद से पूरा विश्वास है। और मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी का भी और पूरी कैबिनेट का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस निर्णय को अध्यादेश के रूप में लाकर पूर्ण करने का काम किया है। सबका बहुत धन्यवाद।